हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लग्जी एजुकेशन विद नागिन सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 19 कराने जा रहे हैं, जिसमें 9 चैप्टर की क्या चल रहा है बेटे, मिसलिनियस चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो बेटे, इसमें करना क्या है, ये कह रहा है पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 00P20 एंड 02। ठीक है, तो कह रहा है कोई पॉइंट इन तीनों पॉइंटों से क्या बेटे इक्यू डिस्टेंस पर है। अर्थात मैं मान लेता हूँ, लेट पी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए 00, बी 20 एंड सी 02। ठीक है बेटे, तो क्या है कि हमारे क्या है इक्यू डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, नहीं है उसके बाद मैं अर्थात मैं कह देता हूँ, जैसे मान लो कि हमारा एक पॉइंट, तीन पॉइंट हमारे ए बेटे, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हमारा पी पॉइंट, ये है पी पॉइंट, क्लियर। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, क्या है 00, बी पॉइंट 20 और सी पॉइंट 02, क्लियर है। अर्थात इसने कह दिया है कि पी पॉइंट इन पॉइंटों से इक्यू डिस्टेंस पर है। अर्थात ए पी, बी पी और सी पी तीनों के तीनों कैसे हैं बेटे, हमारे इक्वल हैं। अर्थात या मैं कह सकता हूँ और ए पी ए इक्वल है पी बी इक्वल है पी सी, क्लियर है। क्या हो गया आपने, हमारी जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंटों की पी ए की, वही डिस्टेंस है हमारी पी बी की, और इतनी ही डिस्टेंस होगी हमारी पी सी की, तीनों की डिस्टेंस कैसी है इक्वल है, क्लियर है। फिर क्या बेटे, टेकिंग और फाइंड क्या करना बेटे, जो हमारा इक्वी डिस्टेंस पर वो पॉइंट निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो देखो बेटे क्या है, मान ले टेकिंग पी ए इक्वल पी बी, क्लियर है। क्या ले लिया, पी ए पी बी को ले लेता हूँ मैं। फिर क्या है बेटे, वाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंसिंग फॉर्मूला बेटे, डिस्टेंसिंग का आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्या है दो पॉइंटों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अर्थात वो पॉइंट वो निकालना है। जैसे हमारा पॉइंट पी है और ए है, हमारा क्या पॉइंट पी है और ए है, हमें क्या निकालना है, पी ए निकालना है। तो हमें क्या बेटे उसकी डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला आएगा। तो देखो बेटे डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, वाई यूजिंग डिस्टेंसिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लियर है बेटे। क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटे पी ए और पी बी निकालनी है, अर्थात दोनों डिस्टेंस निकालनी है पूरी, पी ए और पी बी और पी सी निकालनी है। ठीक है, नहीं है। और हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला वो किसमें यूज आता है, कोऑर्डिनेटों को निकालने में, किसको कोऑर्डिनेटों को निकालने में, या कह सकते हैं रेशियो निकालने में यूज में आता है। तो देखो बेटे डिस्टेंस निकालनी है पी ए, तो हमारा फॉर्मूला होता क्या है, तो लगाओ बेटे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है ना फॉर्मूला। तो लगाओ बेटे हमारे लिए क्या दे रखा है, पी ए इक्वल पी वी, तो पी ए, पी ए कौन सा हो जाएगा बेटे, पी ए, पी ए तो एक्स टू माइनस एक्स वन, अर्थात जीरो माइनस एक्स वन का क्या बेटे पी टू एक्स, ये इसे मान लिया फर्स्ट पॉइंट, इसे मान लिया सेकेंड, तो होगा एक्स टू वाई टू, ये हो गया एक्स वन वाई वन, तो बेटे क्या हो गया जीरो माइनस एक्स अर्थात का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल। फिर है बेटे पी बी, पी और बी, पी बी क्या बेटे फर्स्ट ये सेकेंड ये, तो मान लेते हैं टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वाई का, जीरो माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों के बेटे क्या है हमारे अंडर रूट लग रहे हैं। तो पहले अंडर रूटों को हटा देते हैं, क्या कर देंगे बेटे स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड्स करो बेटे, क्या बच गया, यहाँ बच गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया बेटे वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट तो हट गया बेटे स्क्वायर करने पर, उसके बाद में यहाँ पे क्या लग रहा है बेटे टू माइनस, टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये बच गया बेटे वाई स्क्वायर। बेटे यहाँ पे क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है। तो लगा दो बेटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अर्थात फोर हो गया, बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया बेटे, क्लियर है नहीं है, ठीक है। प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी अर्थात माइनस का फोर एक्स प्लस का वाई स्क्वायर, तो बेटे क्या हो गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो क्या बच गया जीरो इक्वल फोर माइनस फोर एक्स, क्या बच गया जीरो माइनस फोर माइनस फोर एक्स, फोर एक्स को इधर ले आएंगे तो प्लस का फोर एक्स इक्वल क्या हो गया बेटे फोर, क्या हो गया फोर हो गया। तो देखो बेटे क्या आ गया एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा फोर अपॉन फोर अर्थात वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अर्थात ये क्या आ गया बेटे हमारा एक्स आ गया। फिर क्या ले लेते हैं बेटे, वो अगेन अगेन अब ले लेते हैं बेटे इन दोनों पॉइंट, अब ले लिया था पी ए पी बी, अब ले लेते हैं पी बी और पी सी, क्या ले लेते हैं बेटे पी पी बी और पी सी, क्लियर है, वही डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लगेगा। तो लगा दो बेटे क्या हो जाएगा पी बी पी बी पी बी ये रहा बेटे, तो क्या कर देंगे टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वाई, जीरो माइनस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर। एक बार पी सी पी सी क्या बेटे पी और सी ये रहा, तो क्या हुआ जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट, ठीक है बेटे। अब क्या करते हैं स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो बेटे क्या अंडर रूट हट गया, ठीक है। उसके बाद में इनको खोल दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, और क्या लग रहा है बेटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्लियर है। लगाओ बेटे ए माइनस बी का अर्थात ए स्क्वायर फोर हो गया, बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी, तो फोर एक्स हो गया, क्या हो गया बेटे फोर एक्स। फिर है बेटे इधर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल इधर बेटे एक्स का, तो एक्स स्क्वायर आ गया इधर बेटे प्लस, इसे खोल दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर अर्थात टू का स्क्वायर फोर, बी स्क्वायर तो एक वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, कितना हो गया बेटे माइनस का फोर वाई, तो क्या हो गया बेटे क्या हो रहा है देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, फोर से फोर गया, तो बेटे क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे, क्या बच रहा है माइनस का फोर एक्स इक्वल माइनस का फोर वाई, क्लियर है। क्या बच रहा है माइनस का फोर, तो बेटे क्या हो गया माइनस का फोर से माइनस का फोर गया, तो क्या बच गया एक्स इक्वल वाई, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, पुट एक्स इक्वल वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कर दें बेटे फर्स्ट से, तो कर दो बेटे क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है वन, x की वन रख देंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल आ गया बेटे वन, तो हमारा x आ गया वन और y भी आ गया वन, अर्थात इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटे वन वन, तो कौन सा हो गया बेटे हमारा आंसर d हो गया, कौन सा ऑप्शन आ गया d, अर्थात हमारा पॉइंट कौन सा पी वन वन ए बी सी तीनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर मौजूद होगा, क्लियर है। कैसा है बेटे सेम डिस्टेंस पर, क्या कहते हैं इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, क्लियर है बेटे नहीं है, ठीक है क्लियर। वैसे भी पहले आपको हम बेटे एक्सरसाइज में बता चुके हैं इनको, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, क्लियर है, तो नोट करो बेटे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलिनियस का सेवन है, ये कह रहा है पी पॉइंट, जो पी पॉइंट है डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पार्ट पॉइंट्स 5004 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, इंटरनली कर रहा है बेटे और कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो बेटे हमें पता कोऑर्डिनेट निकाल लें तो कौन सा फॉर्मूला लगाना सेक्शन वाला, तो मान लेते हैं देखो ये दो पॉइंट दे दिए ए, ये है 50 और इसे मान लेते हैं हम बी, तो ये है 04, क्लियर है। और कोई पॉइंट है हमारा पी जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स वाई, ठीक है, उसे रेशियो किस से रेशियो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2:3, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो बेटे क्या करना है, आंसर नंबर सेवन है मान लेते हैं, लेट मान लिया ए को मान लिया एक्स वन वाई वन, तो ए क्या हो गया बेटे 50, फिर बी बी को मान लिया एक्स टू वाई टू, तो बी को मान लिया 04, क्लियर है। फिर एम वन रेशियो एम टू कितना है बेटे हमारा
2:3, ठीक है, यही दे रखा है। तो क्या निकालना हमें, 2 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है। तो बेटे हमें कोऑर्डिनेट निकालने, सेक्शन वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो लगा देते हैं वाई यूजिंग सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला। तो लगाओ बेटे, पहले एक्स वाला निकाल लेते, तो एक्स वाला लगा दो, एक्स वाला क्या होता है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, यही होता है। तो देखो बेटे करो, x निकालना, m1 कितना है 2 है, x2 कितना है बेटे 0, m2 कितना है बेटे 3 है, x1 कितना है बेटे 5, m1 plus m2 2 plus 3, ठीक है, नहीं है तो कितना आ गया बेटे हमारा 0 प्लस 15/5, अर्थात 15/5 इक्वल कितना आ गया बेटे 3। एक्स कितना आ गया हमारा 3 आ गया बेटे। अब वाई वाला निकाल देते हैं, वाई m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2, यही है। तो देखो आगे, वाई m1 कितना है 2, y2 कितना बेटे हमारे लिए 4 प्लस m2 कितना 3, y1 कितना है हमारे लिए 0 अपॉन 2 प्लस 3, अर्थात m1 प्लस m2 इक्वल कितना आ गया 8 प्लस 0 अपॉन 5, कितना आ गया 5, इक्वल कितना आ रहा है बेटे 8/5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो गए बेटे 3/8/5। तो कौन सा आ गया बेटे इसमें, ऑप्शन में हमारा ए आ गया, क्लियर है। कुछ नहीं बेटे, कोऑर्डिनेट निकाल देते, सेक्शन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे हमने कोऑर्डिनेट निकाल दी, क्लियर है बेटे। तो नोट करो, देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, दी पॉइंट्स 1, 2, -1x and 2, 3 आर कोलिनियर, देन एक्स विल बी, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। कोलिनियर का मतलब होता है बेटे हमारे तीनों के तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन में स्थित हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर। मान लो एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर है। तो मान लो पहले पॉइंट को मान लिया मैंने ए 1, 2, दूसरे पॉइंट को मान लिया वी -1x और तीसरे पॉइंट को मान लिया सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए बेटे 2 और 3 मान लिए। तो देखो बेटे क्या हमारे लिए दे रखे हैं, कोलिनियर, ठीक है बेटे, गिवन है हमारे लिए, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्लियर है बेटे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं, लेट मान लिया, ए को मान लिया हमने x1 और y1, अर्थात ए पॉइंट कौन सा है बेटे हमारा 1 और 2, कौन सा है 1, 2। वी को मान लिया हमने x2 y2, तो वी कौन सा है बेटे हमारे लिए -1 और x। सी पॉइंट को मान लिया हमारे क्या x3 y3, तो सी पॉइंट कौन सा है 2, 3, क्लियर है, ठीक है। थ्री पॉइंट क्या लिख लेते हैं, थ्री पॉइंट आर कोलिनियर क्या है, कोलिनियर है। देन तो ट्राइंगल एबीसी एरिया, देन तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल 0, अर्थात कहने का अर्थ है बेटे हमने यहाँ तक तीनों पॉइंट मान लिए और यहाँ पे लिख दिया है थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, अर्थात हमारे तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं बेटे एक ही लाइन में स्थित हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो बेटे जब तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन में स्ट्रेट हैं तो इसका मतलब इससे हमारा कोई ट्राइंगल तो बन नहीं सकता है, क्योंकि बेटे ट्राइंगल कैसा बनता है, दो लाइन तो एक ही में हो, एक अलग पॉइंट हो।
दो लाइन एक स्ट्रेट में हो और एक अलग पॉइंट हो ऊपर नीचे कहीं पर भी हो तो उससे हमारा एक ट्रायंगल बनता है। लेकिन जब बेटे तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में तो बेटे उससे ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। जब हमारे कोलिनियर पॉइंट है उससे कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल का ये एरिया भी क्या होगा हमारा जीरो होगा। क्लियर नहीं है तो उसका एरिया भी क्या होगा हमारा जीरो होगा। तो देखो बेटे एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। तो क्या होगा एरिया फार्मूला इक्वल जीरो। एरिया फार्मूला क्या होता है बेटे इसका होता है 1/2 क्या होता है 1/2 एक्स वाई माइनस वाई क्या है बेटे प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई ठीक है। अर्थात यहाँ क्यों लिखे हैं तो देखो बेटे इनको नाम दे लेते हैं। ये हो गई फर्स्ट, इसे मान लेता हूँ सेकेंड, इसे मान लेता हूँ थर्ड। अब फर्स्ट को ले जाएंगे बाद में तो अब क्या आ जाएंगे 2, 3, 1 तो कौन सा आ गया बेटे 2, 3, 1 और 2 को लेके बाद में तो क्या आ जाएगा 3, 1, 2 तो बेटे क्या आ जाएगा 3, 1, 2। क्लियर है ठीक है नहीं है यहाँ तक। तो बेटे वैल्यू पुट करो अब इसमें क्या आ जाएगा बेटे ये अब इसका एरिया कितना था जीरो तो इसका एरिया किसके बराबर हो गया बेटे जीरो के बराबर। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा 1/2 x1 कितना है बेटे 1 तो 1 कर दिया y2 माइनस y3 तो x-3 क्या आ गया बेटे x-3 प्लस है तो प्लस x2 कितना आ गया बेटे -1 ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 अर्थात 3-2 प्लस x3 कितना है बेटे हमारा 2 y1 माइनस y2 अर्थात 2-x = 0 ठीक है बेटे। तो देखो इक्वल 1/1 का मल्टीप्लाई किया तो x-3 प्लस -3 का 3 से किया तो कितना आ गया बेटे -3 का -2 से किया तो प्लस का 2 प्लस 2 का 2 से किया तो 4 2 का -x से किया तो माइनस का 2x। क्लियर है बेटे ब्रैकेट बंद। क्लियर है यहाँ तक नहीं है ठीक है। अब देखो बेटे 1/2 को तो मैं इसके नीचे ले जाता हूँ जीरो के नीचे तो जीरो ही हो गया उसका तो इससे तो ये खत्म हो गया जीरो। तब देखो बेटे अंदर क्या क्या बच रहा है प्लस का 2 और ये कितना है बेटे प्लस का 6 -2 को तो इधर ले गया बेटे 1/2 को तो इधर ले गया तो वो हो गया जीरो। तो 2 और 4 6 हो गया 3 और 3 माइनस का 6 क्लियर और प्लस का x है या माइनस का 2x है तो माइनस का x बच गया इक्वल जीरो। तो अर्थात 0 6 से 6 गया तो -x = 0 अर्थात x इक्वल क्या हो गया 0। तो जो x है बेटे उसकी 0 वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई जिसका ऑप्शन क्या है बेटे बी। अर्थात हमेशा याद रखना बेटे जब हमारे लिए कोई 3 कोलिनियर पॉइंट दे दे कह दे कि हमारे लिए गिवन है तीनों के तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर हैं उनमें से किसी एक के क्या निकलवाए कोऑर्डिनेट निकलवाए तो हमेशा किससे निकाल देते हैं बेटे इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल जीरो। क्योंकि हमेशा याद रखो बेटे कोलिनियर पॉइंटों से कभी ट्राइंगल नहीं बनता। जब ट्राइंगल ही नहीं बनता है तो उसका मतलब है उस ट्राइंगल ही नहीं ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया जीरो हो गया। उसका बेटे हमने फॉर्मूला लगा दिया क्या होता है ठीक है और उसको कर दिया जीरो के इक्वल उसमें वैल्यू पुट कर दे गए तो बेटे हमारे क्या आ गई x इक्वल आ गया जीरो। तो x इक्वल कितना आ गया बेटे जीरो अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जीरो ऑप्शन में हो गया बी ठीक है बेटे। तो नोट करो इसे तो देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3A 4/1 इज √10 देन विल बी क्या निकालना है ए अर्थात हमारे लिए बेटे डिस्टेंस दे दिए दोनों पॉइंटों के बीच की और ए निकलवा रहा है। तो बेटे जब डिस्टेंस दे दिए तो ए निकालने के लिए किसके फॉर्मूले का यूज करना है डिस्टेंस वाले का। मैंने कह रखा है जो चीज़ दे दे और कोई सी चीज़ निकलवाए उसी से रिलेटिव तो क्या है बेटे उसी के फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो देखो बेटे मान लो हमारे लिए दो पॉइंट दे दिए एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा इसे मान लेते हैं हम ए इसे मान लिया ए पॉइंट कितना 3A और इसे मान लिया हमने बी पॉइंट 4/1 4/1 ठीक है उनके बीच की डिस्टेंस दे दिए 10√10 क्लियर है। तो ए की वैल्यू निकाल ली तो देखो इधर क्या है आंसर नंबर 9 करेंगे लेट मान लिया हमने ए क्या मान लिया ए x1 और y1 क्लियर उसके बाद में ए क्या माना बेटे हमने 3A फिर बी को मान लेते हैं बेटे x2 और y2 बी क्या हो गया हमारा 4/1 ठीक है और क्या दे दिया बेटे ए भी दे दिया अर्थात डिस्टेंस दे दिया हमने डिस्टेंस कितनी दे दिया 10
रूट टेन, क्लियर। उसके बाद हम क्या करना है, टू फाइंड करनी है बेटे, ए क्या है ए, तो बेटे हमारे लिए डिस्टेंस दे रखी है दोनों पॉइंटों के बीच की, डिस्टेंस दे रखी है और ए पूछ रहा है उस पॉइंट का, ये कोऑर्डिनेटर पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस वाला, तो लगा देते हैं बेटे वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ए वी के बीच की निकालनी है, तो ए वी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ए वी इक्वल हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर। ठीक है, नहीं है तो लाओ बेटे फिर ए वी की जगह पे ए वी रख दो, कितना है रूट टेन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन अर्थात फोर माइनस थ्री, कितना है बेटे फोर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वन अर्थात वन माइनस ए का स्क्वायर का अंडर रूट। बेटे पहले क्या कर देते, स्क्वायरों को हटा देते, तो क्या कर देंगे बेटे स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या कर दिया दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो क्या रह गया इधर रह गया बेटे टेन इक्वल इधर रह गया वन, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे वन प्लस वन माइनस ए का स्क्वायर, तो क्या लग रहा है बेटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो कितना हो गया टेन वन प्लस इसे खोलो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, बी स्क्वायर ए का स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, तो कितना हो गया बेटे टू ए हो गया माइनस का टू ए, क्लियर। तो देखो बेटे अब क्या हो रहा है, इधर इसे इधर ले लेते ए स्क्वायर माइनस का टू ए वन वन टू हो गया इक्वल टेन हो गया, ठीक है बेटे। उसके बाद में क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस का टू ए प्लस टू, और बेटे टेन को इधर लिया तो क्या हो गया माइनस का टेन इक्वल जीरो, कितना हो गया माइनस का टेन इक्वल जीरो। तो देखो बेटे क्या बच रहा है, इधर ए स्क्वायर माइनस का टू ए, फिर ये क्या बच रहा है माइनस का एट इक्वल जीरो, ठीक है। इसके बेटे फैक्टर्स करूँ तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का फोर ए प्लस का टू ए माइनस का एट इक्वल जीरो, इसके फैक्टराइजेशंस कर रहे हैं, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा फैक्टराइजेशंस कर दिया, तो कितना आ रहा है ए कॉमन ए आ रहा है ए माइनस फोर, इधर से बेटे प्लस का टू आ रहा है तो ए माइनस फोर इक्वल जीरो, तो क्या आ रहा है बेटे एक माइनस फोर और इधर बच रहा है ए प्लस टू इक्वल जीरो, तो क्या कर सकते हैं ए माइनस फोर इक्वल जीरो ए प्लस टू इक्वल जीरो, तो ए इक्वल कितना आ गया बेटे फोर, इधर आ गया ए इक्वल माइनस टू, अर्थात हम कह सकते हैं ए इक्वल कितना आ गया फोर कॉमा माइनस टू, कितनी आ रही है ए की वैल्यू फोर और माइनस टू आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में बेटे हमारा सी, कौन सा है हमारा ऑप्शन में सी है, क्लियर है बेटे। अर्थात जो चीज़ दे रखी है बेटे उसी के पॉइंट में से कोई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, अर्थात डिस्टेंस दे रखी थी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पुट किया है, क्लियर है नहीं है, ठीक है बेटे। तो हमारे ए की वैल्यू आ गई कितनी फोर माइनस टू, बेटे इसे सॉल्व करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन वाला है, इसमें क्या कह रहा है, इफ ए पॉइंट एक्स वाई, जो हमारा पॉइंट है एक्स वाई इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू वन और वन माइनस टू, देन द ट्रू स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट पीछे देखेंगे बेटे, जो दे रखा है उसे देखते हैं कि हमारा कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है पी, ये हमारे दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर हैं, अर्थात पहला पॉइंट मान लेते हैं इसे ए, कौन सा है बेटे टू वन, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं इसे बी, क्या मान लेते हैं बेटे बी, ये कितना है बेटे वन माइनस टू, ठीक है। और कौन सा पॉइंट बेटे, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं एक्स वाई, क्लियर है, पी पॉइंट ए और बी से कैसा है बेटे हमारा इक्वी डिस्टेंस पर है, अर्थात ये जो हमारी पी ए की डिस्टेंस है वही हमारी पी बी की डिस्टेंस होगी, ठीक है, यही तो दे रखा है बेटे, और कुछ तो नहीं है इसमें हमारे लिए, ठीक है, नहीं है। तो देखो बच्चों क्या है इसमें, इधर देख लेते हैं आंसर नंबर टेन क्या है बेटे, पी दे दिया है पॉइंट्स, पी दे दिया हमारा एक्स वाई, ए दे दिया हमारा टू वन, बी दे दिया हमारा वन माइनस टू, क्लियर है, ठीक है, नहीं है। और क्या दे दिया हमारा पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम पॉइंट्स ए टू वन एंड वी वन माइनस टू, या करके मैं कर सकता हूँ कि जो डिस्टेंस मेरी पी वी की है, जो डिस्टेंस मेरी पी ए की है वही कितनी होगी बेटे पी बी की, अर्थात ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है, यही है ना। ठीक है, तो क्या लगा देते हैं बेटे वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बेटे वाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटे, चूँकि पी ए इक्वल पी वी, ठीक है, तो पी ए निकालो। पी ए क्या बेटे, फर्स्ट पॉइंट मान लेते, सेकेंड मान लेते एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वन माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर है बेटे? तो क्या हो गया बेटे, इसका अंडर रूट इक्वल पी बी, पी और बी तो वन माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटे, ऐसे सेकेंड वाले इसे फर्स्ट मान लेते हो, क्या हो जाएगा बेटे, वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस टू और क्या हो जाएगा बेटे हमारा, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर हमारा स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, तो करो बेटे क्या बच रहा है, वहाँ टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर कर सकता हूँ बेटे मैं माइनस टू माइनस वाई का स्क्वायर। तो इधर देखेंगे बेटे यहाँ पे, तो एक चीज़ बेटे मैंने बताई थी, जब कभी भी दोनों साइन हमारे माइनस माइनस के हैं और होल स्क्वायर में, तो उसे क्या रख सकता हूँ, माइनस वन कॉमन ले करके टू प्लस वाई का होल स्क्वायर ही कर सकता हूँ। दोनों में से माइनस टू हमने क्या कर लिया, कॉमन ले दिया, तो बेटे अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करते माइनस वन पर स्क्वायर अलग लगा दूंगा, टू प्लस वाई पर अलग लगा दूंगा, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात माइनस टू और माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ बेटे, टू प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं है, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले दिया तो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर आ गए, इसका अलग हुआ, इसका अलग हुआ, ये कितना हो गया वन, तो क्या बचता हमारा, टू प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बेटे ये कितना हमारा, ये हो गया बेटे हमारा टू प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं है, तो देखो बेटे अब क्या बच जाएगा यहाँ पे, टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टू प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटे क्या क्या फॉर्मूला लग रहे हैं, क्या लग रहा है, एक तो प्लस का लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटे लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है, यही होता है बेटे। ठीक है, तो लगाओ बेटे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी अर्थात माइनस का फोर एक्स। क्लियर है, प्लस है तो प्लस लगा दो बेटे, वन ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी माइनस का टू वाई, कितना बेटे माइनस का टू वाई इक्वल, तो इक्वल कर दो, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन आ गया, एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी तो कितना आ रहा है बेटे, माइनस टू ए बी टू एक्स, कितना आ रहा है टू एक्स, टू ए बी तो कितना आ गया माइनस का टू एक्स, प्लस है तो बेटे प्लस लगा दूँ। उसके बाद में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर हो गया, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए बी प्लस टू प्लस टू ए बी, टू टू जा फोर और कितना हो गया बेटे प्लस का फोर वाई। तो देखो बेटे अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, फोर से बेटे फोर गया। ठीक है, और क्या बच रहा है अब, एक्स एक्स वाले स्टेप में एक, हाँ ये और गया बेटे वन से वन गया, तो अब बेटे एक्स एक्स वाले स्टेप में एक साइड में, वाई वाई वालों को एक साइड में, इधर बच रहा है हमारा माइनस का फोर एक्स माइनस का टू वाई, इधर बच रहा है माइनस का टू एक्स और प्लस का फोर वाई।
क्लियर है, यही बच रहा है बेटे हमारा, कि और कुछ बचेगा? तो देखो बेटे, एक्स एक्स बारह को टर्म को एक साइड में, वाई वाई बारह को एक साइड में, तो माइनस का फोर एक्स टू को इधर ले गए, तो प्लस का टू एक्स इक्वल प्लस का फोर वाई इधर ले गए, तो बेटे प्लस का क्या बच गया हमारा, टू वाई। तो क्या हो गया बेटे, माइनस का टू एक्स इधर बच गया बेटे, सिक्स का वाई कितना बच गया, सिक्स का वाई। तो बेटे क्या हो रहा है, टू से गए दोनों स्टेप में काट दें, तो इधर का एक्स और इधर का बच गया बेटे थ्री वाई, एक्स को इधर ले गए तो बेटे क्या हो गया, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल जीरो। तो बेटे कौन सा कंसेप्ट बढ़ना है हमारा स्टेटमेंट, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल जीरो, जो कि इसमें ऑप्शन में कहाँ है बेटे हमारा, ये रहा फर्स्ट वाला, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल जीरो। क्लियर है, ओनली कुछ नहीं है बेटे, हमने आपसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर डिपेंड होकर चलना पड़ता है। उसने कहा कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हमने इन दोनों पॉइंटों इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले लगा दिए, डायरेक्ट आ गया। ओनली जो वर्ड्स आ जाए उसमें जो दे रखा है बेटे उसी के पैटर्न पर हमें आगे बढ़ना होता है। क्लियर, ओनली कैलकुलेशन करते चलो, आंसर तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बेटे नोट करो, उसे करो नोट। किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है, दिक्कत तो नहीं किसी को? तो किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सके। क्लियर है बेटे, नहीं है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 20 में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।